दोस्तों, मेरा सेठ का इस कंपनी में सिस्टम क्या है कि जैसे गाड़ी अगर पुराना हो जाता है तो देखिए ये गाड़ी भी बहुत पुराना दिखाई देगा आपको। दोस्तों, रात के 10 बज चुका है और रांची बाईपास में हम हैं। तो आज भी किस्मत ख़राब है कि मेरा टायर पंचर हो गया दोनों का दोनों। इतना छोटा सा पेच, और ये पेच तो पहले लगना नहीं चाहिए था, इतना बड़ा कट है इसमें। अब पैसा बचाने के लिए, हेलो दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम झारखंड आ गए हैं, शंख मोड़ बोलते हैं, शंख नदी पीछे है, यहीं से बॉर्डर सीमा अलग हो जाता है छत्तीसगढ़ का और झारखंड का। तो दोस्तों, आज ब्लॉग लेट स्टार्ट होने कारण था कि जो पिछला ब्लॉग था उसको हमको नेटवर्क नहीं मिल रहा था, लोरो घाट वगैरह सब पार किए तो नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो उसके कारण थोड़ा जब तक लोड नहीं होगा तब तक दूसरा चालू नहीं कर सकते थे। दोस्तों, फिर उसी बीच में हम खाना वाना भी बना लिए, तो दोस्तों अभी जा रहे हैं खाना वाना खाने के लिए, और अभी छत्तीसगढ़ झारखंड में देखते हैं कहीं अच्छा जगह देखे, फिर नहाना धोना भी है। और दोस्तों, पिछला ब्लॉग में बताए थे हम कि साइलेंसर के विषय में कि इस गाड़ी में साइलेंसर है, तो आइए दिखाते हैं वो साइलेंसर। और वो गाड़ी में नहीं था तो बोलते थे आप लोग यूरिया किस काम में आता है, तो इस गाड़ी में यूरिया नहीं लगता है, तो इस गाड़ी में यूरिया नहीं लगता, इस पर साइलेंसर है, आइए साइलेंसर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये BS4 गाड़ी है, इसमें देखिए ये साइलेंसर, इसी दोस्तों इसका साइलेंसर यहाँ पर दिया हुआ है, और यही साइलेंसर है जो BS4 गाड़ी है ये। और वो BS6 था तो उसमें यूरिया लगता था, उसमें बिना साइलेंसर का था उसका, यहाँ पर देखे होंगे बना हुआ था सिस्टम जो साइलेंसर का, यहीं पे मतलब मोड़ मार करके कुछ ना कुछ धुआं मार करके उसको यूरिया जो है उसको मार करके गर्दा को यहीं पे रखता था वो धुआं वगैरह को। अब देख सकते हो साइलेंसर यहाँ से वहाँ गया हुआ है तो उसको यहीं पे बना दिया है, देखिए जगह यहाँ खाली पड़ा हुआ है, और उसमें देखे होंगे बड़ा सा बॉक्स टाइप का था यहाँ पर, तो यही यूरिया का काम था। यही आप लोगों को, बहुत नया लोगों को नहीं पता था कि यूरिया के विषय में कई कमेंट भी आया था, तो जिसमें यूरिया नहीं लग रहा है उसमें आपको साइलेंसर मिलेगा, और जिसमें यूरिया लग रहा है उसमें साइलेंसर आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों, मेरा सेठ का इस कंपनी में सिस्टम क्या है कि जैसे गाड़ी अगर पुराना हो जाता है तो देखिए ये गाड़ी भी बहुत पुराना दिखाई देगा आपको, तो ये गाड़ी मतलब कि 7-8 साल गाड़ी रखने के बाद फिर वो गाड़ी को बेच देता है, फिर वो नया गाड़ी लाता है। अभी लाया है, 2 गाड़ी और मंगाया है अभी वो, तो और 3 गाड़ी इसका पुराना रह चुका है, तो उसको भी बेचता ही है, क्योंकि वही समझदारी का काम वही है, क्योंकि फिर धीरे धीरे काम निकालने लगता है गाड़ी, जो इसका जो जितना पिनियन दाता है धीरे धीरे खाता है वो, तो खाने के बाद वो काम निकालने लगता है, तो खर्चा मानने लगता है गाड़ी, तो इससे अच्छा है कि गाड़ी को बेच ही देना, ठीक है मॉडल भी ऊँचा रहता है तो दाम भी अच्छा मिल जाता है। अब जानता है कि आदमी 10 साल के बाद फिर गाड़ी का रेट घटते जाता है, क्योंकि उसका रेट आजकल के गाड़ी का क्या है, गाड़ी का रेट जो है मॉडल के हिसाब से लगता है, 18 मॉडल है तो 18 लाख, 19 मॉडल है तो 19 लाख, इस टाइप का सौदा होता है, तो मॉडल भी अच्छा रहेगा और गाड़ी देखने में अच्छा लगेगा तो निकाल ही देने में फ़ायदा है। तो मेरा सेठ भी यही करते हैं, पुराना गाड़ी होता है तो भेज देते हैं, फिर नया गाड़ी ला के लगाते हैं, क्योंकि काम इस सब का पार्ट जल्दी मिलता भी नहीं है लीलन गाड़ी का, तो हर जगह जहाँ है शोरूम में जाओ वहीं मिलेगा आपको, पार्ट्स दुकान में बाज़ार मार्केट में मिलेगा नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं खाना खाते हैं। अभी दोस्तों हम खड़े थे तो बना लिए थे अंडा कढ़ी, ये देखिए आज का अंडा कढ़ी है। अब गर्मी में सब्जी वब्जी वैसा नहीं मिल रहा ढंग का, सब उदास उदास मिल रहा धूप गर्मी से, तो यही सब मिल रहा, यही सब खा ले रहे हैं, या तो दाल भात चोखा खाओ या अंडा खाओ या मटर खाओ चिकन खाओ, यही गर्मी में है और कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं अभी। दोस्तों अभी गुमला पंप में आ चुके हैं और शाम के 4 बज गया है, और यहीं चले नहाने के लिए, और इसलिए अभी नहा के यहाँ से जा रहे हैं कि टाटा में पता नहीं 3 मार्च को वहाँ उनका बर्थडे मनाया जाता है, जो जैसे टाटा कंपनी का दिवस था, तो वो चीज़ का लेकर के पता चला हमको, रिपोर्ट आया कि वो भी बहुत ज़्यादा सजाया हुआ है, 3 मार्च को ही है, तो अभी शायद नो एंट्री वगैरह भी है। अब वहाँ जाने के बाद जानते हैं कि नहाने के लिए मिलता नहीं है, क्योंकि अगर वो मैदान पर खड़ा रहेंगे जहाँ क्रॉसिंग होता है तो 2 दिन खड़ा रहेंगे, कितना दिन खड़ा रहेंगे इसे आइडिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ से नहा धोवा के फ्रेश होकर जाएंगे, 2 दिन नहीं भी नहाने को मिलेगा तो चल जाएगा काम। तो ठीक है दोस्तों, चले नहाने के लिए, नहा के निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी रात का 9 बज चुका है और हम लोग रांची बाईपास पहुँच गए हैं, तो नहाना धोवा तो हो गया, मतलब 2-3 दिन नहीं भी नहा पाए टाटा में जमशेदपुर में तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, ऊपर पार्किंग में अगर चल जाते हैं लेकिन मुश्किल है, क्योंकि पता चल रहा है कि 2 गाड़ी वहाँ पर अभी पहले से खड़ा है, उसमें एक गाड़ी ऊपर पार्किंग में, एक गाड़ी अभी गणेश मैदान में है, तो वो अभी खाली नहीं हुआ है, कल देखते हैं उसको अगर क्रॉसिंग करता है तो मेरा नंबर आएगा। अब बीच में संडे भी पड़ रहा है, अब संडे के लेके बंद है कि खुला है अभी तो पता नहीं है क्लियर। अब दोस्तों एक चीज़ है कि वहाँ बर्थडे भी मनाया जा रहा है 3 मार्च को, तो उसके लेके भी आज शायद बंद है,
आज काम उम नहीं हो रहा है, मतलब हम तो चाह रहे जितना जल्दी हो सके खाली हो जाए, लोड हो जाए तो रांची में ला खड़ा कर देंगे पेट्रोल पंप में, अपना पेट्रोल पंप में जहाँ डीजल लेते हैं। लेकिन अगर टाटा में खड़ा करना हुआ तब तो वहाँ से महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ से लंबा आना बस में वो महंगा पड़ जाता है। दोस्तों रात के 10 बज चुका है और रांची बाईपास में हम हैं, तो आज भी किस्मत ख़राब है कि मेरा टायर पंचर हो गया दोनों का दोनों, अब दोनों टायर पंचर बैठ गया है टायर, अब इसमें खोलने टाइम काफ़ी लग जाएगा क्योंकि लिफ्ट का टायर खोलना है दोनों, तब इसमें लगाएंगे हम, समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। अब हो सकता है कि टाटा हम रात में घुस पाएंगे कि नहीं घुस पाएंगे अलग बात है, ये रिसोल टायर है और रिसोल टायर में पता नहीं ट्यूब कैसा है क्या नहीं, हम तो इस गाड़ी का है नहीं तो हमको भी पता नहीं है। थोड़ा लंबा खींच देने के बाद, हम एक वीडियो में बताए थे कि लंबा खींचने के बाद भी पंचर हो जाता है, वही हुआ है, गर्म होकर के पंचर कोई खुल गया होगा, अब सिंगल टायर में पड़ा होगा तो दूसरा हो गया। हालांकि कुछ ज़्यादा कोई खास सफर नहीं कटा है, लेकिन कैसा ट्यूब है कैसा नहीं हमको पता नहीं, इसमें ये इस सब रिसोल टायर में कि बढ़िया ही ट्यूब लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जा रहे हैं मेहनत करने, कितना टाइम लगे कितना नहीं देखते हैं। दोस्तों अभी ये दोनों पंचर वाला टायर खोल लिए हैं, ये रहा दोनों पंचर वाला टायर, अभी ये खोलना है लिफ्ट वाला, तो ये दोनों लिफ्ट वाला भी खोल के फिर वहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों आजकल अभी थोड़ा किस्मत ख़राब चल रहा है, मतलब रोज़ रोज़ टायर खोलना पड़ा, ये लेके चौथा दिन हम लोग टायर खोल रहे हैं। चले कोई बात नहीं, ऐसा सब मुसीबत आता रहता है कभी कभी। दोस्तों रात के 11:30 बज गया और हमारा काम हो गया अभी, अब दोनों टायर एक साथ बैठ गया तो वो दो दो टायर स्टेपनी तो रहता नहीं गाड़ी में, और ऐसे भी मेरा जो स्टेपनी लगा हुआ है उसमें पंचर है पहले से, तो लिफ्ट का टायर खोल के हम वहाँ लगा दिए और वो दोनों पंचर जो टायर था वो लिफ्ट में लगा दिए। अब जहाँ तक टाटा ढूंढने का सवाल था रात में, तो अब नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो टायर जो है लिफ्ट का टायर भी ठीक नहीं है, वो अगर पंचर कहीं हुआ तब गाड़ी कहीं भी खड़ा हो सकता है, तो इससे अच्छा हम जाकर कहीं होटल पे जहाँ टायर दुकान होगा वहीं लगा देते हैं, सुबह अपना काम कराएंगे टायर का फिर निकलेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे रिस्क लेना बेकार है, अभी चलते रहेंगे मान लीजिए और टायर कैसा है कैसा नहीं फट उट गया तो मेरे पास टायर नहीं है, अब टायर जो है आगे में लगा हुआ है और लिफ्ट ही एक ऐसा है कि वो स्टेपनी में काम आ सकता है क्योंकि उसको उठा के चलना है, तो पंचर और टायर को उठा देंगे अभी हम और उठा के चलेंगे, और दिन में उठा के चल भी नहीं सकते हैं, थोड़ा आरटीओ ड्यूटी का लफड़ा रहता है, आरटीओ देखेगा तो फाइन कर देगा लिफ्ट उठा के चल रहे सो। तो दोस्तों आज रात का मेरा काम ख़राब हो गया, तो ठीक है जाते हैं किसी होटल में खाना खाते हैं और वहीं सोएंगे, सुबह टायर काम करके फिर मेहनत करना पड़ेगा डबल, फिर खोलो, अभी टायर दुकान मिलता तो करा सकते थे लेकिन टायर दुकान सब बंद है सोया हुआ है, एक टायर दुकान आगे पंप में गए थे पता करने के लिए, लेकिन टायर दुकान तो है लेकिन वो मिस्त्री नहीं है, वो चला गया है। ठीक है दोस्तों चले, गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह तो हो गया दोस्तों, तो रात में जो टायर चेंज किए हैं काफ़ी रात हो गया था तो शरीर भी पूरा थक गया था, तो रात में खाना उठने खाया भी नहीं, होटल पर यहीं सो गया ला, और क्या कि सुबह हमको टायर को बनाना था तो अब यहीं पर टायर दुकान देखे तो लगा दिए यहीं पर सो गए थे, तो अभी जा रहे हैं सब करने के लिए, देखते हैं अभी कितना समय लगता है, अब दोनों टायर का पंचर बनाना है फिर पीछे मेन टायर में लगाना है जहाँ लगा हुआ था, और स्टेपनी उठा के चल भी नहीं सकता, इस टायर में अंदर जा भी नहीं सकते थे ना क्योंकि वहाँ पर कंपनी में अलाव है कि पंचर टायर फटा टायर लगा के आदमी जा नहीं सकता कंपनी के अंदर में, टायर मतलब फ्रेश बना के लेके अंदर जाना है, कंपनी का भी सिस्टम है, इसलिए आज रात में नहीं घुस पाए हम लोग, तो आज रात में हम लोग घुसेंगे। तो दोस्तों ऐसे जल्दबाजी नहीं है क्योंकि गाड़ी अपना कंपनी का ही है वहाँ पर है, क्रॉसिंग नहीं हुआ है, वो भी पता चल रहा है दो दो गाड़ी वहाँ पर खाली नहीं हुआ है, तो इसलिए हमको भी फ़ोन नहीं करा वो, तो जाकर कोई फ़ायदा भी नहीं था, इसलिए दोस्तों अभी जा रहा टायर बनाने के लिए, टायर बना उना के फिर आज रात में हम फिर अंदर जाएंगे। दोस्तों मेरा टायर खुल गया है और दोनों टायर खुल गया, अब पता चल रहा है क्या चीज़ें पंचर हुआ है, इसमें ड्राइवर का ही गलती है, रेडियल टायर में पैच नहीं लगता, ये देखिए रेडियल टायर में कभी भी पेच नहीं लगता, ओम नहीं लगता चिपकाने वाला, ये सब सादा टायर में लगता है पहले का, अब इसमें लगा दिया पेच तो ये कभी चिपकता नहीं है, रेडियल चिपकता नहीं है, छूट करके यही पंचर कर दिया, अब सिंगल में चल करके उसको भी पंचर कर दिया, अब यही सब परेशानी होता है कि थोड़ा सा लापरवाही का लेकर के इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, समय भी गया पैसा भी खर्चा, देखिए ये पेच लगाना नहीं चाहिए था, ये देखिए गर्म पंचर ऐसे ही बनता है, ये देखिए इसको प्लेट को गर्म करके लाया गया है अभी और इस पर डाल करके अभी थोड़ा देर छोड़ना पड़ेगा 15-20 मिनट छोड़ करके अब वो पका रहा है उसको, ऐसे ही हम लोग का बड़ा गाड़ी का पंचर बनता है,
छोटा मोटा कांटी का रहा है तो ठंडा पंचर बन जाता है, जैसे ये कांटी का रहा तो ये हो जाता है पंचर, यहाँ था पहले का खुल गया था तो वही इसमें लग रहा। आप देखें 15-20 मिनट इसको इंतजार करना होगा तब जाकर पकेगा वो। दोस्तों ये देखिए पेच, इतना छोटा सा पेच, इतना बड़ा कट है इसमें। अब पैसा बचाने के लिए देखिए कितना बड़ा कट है, इसमें कम से कम ओमनी लगाना चाहिए था, शुरू में ही लगाना चाहिए था, अब पेच के कारण और बढ़ गया। हो सकता है पहले छोटा ही हो लेकिन गलत किया है, अब इसमें हमको झेलना पड़ रहा है। तो यही सब कहते हैं ड्राइवर लोग को, बहुत सा ड्राइवर ऐसा होता है, सब ड्राइवर तो नहीं बोलेंगे हम, बहुत सा ड्राइवर ऐसा होता है इतना बढ़िया टायर को बर्बाद हो रहा है। और जिस समय कट लगा था पंचर हुआ था उसी समय अगर ओमनी लगाता था बढ़िया वो उतना फैलता भी नहीं। अब ये देखिए छोटा सा टुकड़ा लगा दिया है इसके कारण फैल भी गया और टायर भी नुकसान। हाँ अगर सेट पैसा नहीं देता है ओमनी उमनी का तो एक अलग बात था, लेकिन हम तो अपना सेट को जान रहे हैं, हम कितना भी अपना काम कराएं तो हमको देता है, बोल देते हैं ओमनी फ़ोटो खींच के भेज देते हैं कि ओमनी लगा ये लगा सेट में देता, फिर ये लापरवाही। अब कौन किया है, ये ड्राइवर किया इससे पहले कौन था ये भी बता नहीं सकते हैं, बताए ये सब लापरवाही में हमको परेशानी हो रहा है यहाँ पर। अब ये टायर रिजेक्ट हो रहा है, चलेगा नहीं, अब टायर तो इसका तार टूट जाता है ना, रेडियल टायर में तार रहता है वो टूट जाता है, अगर पहले ओमनी लग जाता तो नहीं फैलता, अब ये बेकाम का हो गया। ठीक है दोस्तों किसी तरह लगाते हैं इसको, लिफ्ट में सहारा के लिए ले रायपुर तक तो लेके जाना पड़ेगा ना, अब रायपुर में तो नया टायर लगेगा तभी कुछ होगा। दोस्तों अभी 10 बज चुका है और हमारा काम हो गया है, अब जो खर्चा मिलता है पैसा मतलब इसी समय लग जाता है पैसा, अब किसी तरह सुधारे तो हैं, अब देखिए कब तक चलता है क्या होता है, रायपुर में जाकर ही ठीक होगा ये। और ये सब झूठ मूठ का फालतू पैसा लग जाता है और समय भी बर्बाद हो जाता है थोड़ा सा लापरवाही लेकर के। ठीक है दोस्तों अभी तो हमको दिन भर रहना पड़ेगा बाहर में ही, दिन में टाटा घुसेंगे नहीं, अब रात में ही घुसना है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।